एक लड़का था, वो अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि उसके पास खाने तक का पैसा नहीं था, न रहने के लिए घर था। किराए के घर में रहता था, उसको भी मंथली किराया देना रहता था, लेकिन उसके पास उतना भी पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, जिसके वजह से इतना कर्ज उसके ऊपर चढ़ चुका था, इतना ज्यादा कि हर कर्जदार आके उसको गाली देके जाते थे, उसके परिवार वाले को सुना के जाते थे। वो लड़का काम करने के लिए सोचता है, काम मिलना आसान नहीं रहता, इसलिए उसको चाय बना के पिलाने का काम मिलता है, वहीं पे वो चाय बना के भी पिलाता है और साफ सफाई भी करता है। ये बात जब उसके को एक जान पहचान वाली रहती है, उनको पता चलता है, वो सोचती है कि एक लड़का जिसको अभी अपना जिंदगी जो है वो स्टार्ट किया है, वो अगर अभी साफ सफाई और चाय बना रहा है वहां पे कर रहा है, इसका अभी थोड़ा सा सीखने का टाइम है, पढ़ने लिखने का टाइम है, वो सोचती है कि ना इसको एक ऐसे जगह पे रखवा दे जहां से ये अपना पढ़ाई भी आगे का कंटिन्यू कर पाए और काम भी अच्छे से सीख के ये अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाए, जिससे इसका परिवार भी अच्छे से चल पाएगा। वो उसको जहां पे काम करती है वहां पे ले जाती है और अपनी कंपनी में उसको रखवा देती है। धीरे धीरे उस लड़का को पहचान मिलने लगता है, उसको सारा काम वो जो जान पहचान की रहती है वो उसको सिखाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी कंपनी में काम करती है, वहां की हेड रहती है। इसको क्या करती है कि हर काम को सिखाने लगती है। धीरे धीरे ये लड़का जो है वो सारा काम सीखने लगता है और जितने भी लोग हैं उनसे इसको पहचान मिलने लगता है। इसके बाद इसका घमंड जो है वो सातवें आसमान पे चढ़ने लगता है और इसको लगता है कि अगर ये नहीं है तो काम हो ही नहीं सकता है और ये गंदा गंदा चाल चलने लगता है उसी के अगेंस्ट जो इसको काम पे रखवाता है। जब इसमें भी ये सक्सेस इसको नहीं मिल पाता है तो ये सोचता है कि हम यहाँ से काम छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाएगा, यहाँ से ये काम छोड़ के चला जाता है। जब जाता है तो उसका जिंदगी फिर से वही बदतर बन जाता है। यहां से तो इसको घमंड रहता है कि मुझे काम आता है तो यहां से डबल सैलरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन जब इससे बाहर जाता है वो और जब दूसरे जगह काम पकड़ता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका जिंदगी इतना बदतर बन जाता है कि कहना नहीं, और उससे वो ये नहीं होता है कि हाँ इससे भी कुछ सबक सीखे और अपने जिंदगी में हम आगे बढ़े। वो क्या करता है कि जो उसको रखवाती है उसी के अगेंस्ट गलत गलत बात बोलने लगता है, जितना गंदगी फैलाने लगता है, वही के स्टाफ को मिला के चाल चलने लगता है, इस हद को पार करता है जहां से कोई लिमिट नहीं होता है। और आज वो लड़का उसी तरह से भटक रहा है। और क्या लगता है कि ऐसे लोगों को कभी भी सही काम मिलेगा? जो लड़का एकदम किस्मत पे रो रहा था, जिसको खाने तक के लिए कुछ नहीं था, वो एक लड़की उसको रखवाती है और सोचती है कि नहीं, यहां से इसका जिंदगी थोड़ा अच्छा ट्रैक पे जाएगा। और जब वो जिंदगी उसको उस लाइक बनाती है तो वो लड़का उसी को गिराने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे लोग कभी खुश रह सकते हैं? और क्या लगता है कि वो लड़का उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? ऐसे लोग पूरे जिंदगी जैसे नाली में कीड़ा रहता है वैसे ही रेंगते रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उस लड़का का भी सेम हालात होगा।